इंस्टाग्राम क्या हाल है, मैं बढ़िया हूं, पक्के सुन कमेंट करके बता देना और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और चूल्हा लगाने के लिए आज मुझे बुलाया गया है लाली ने। लाली उठ के चली गई अभी यहाँ से और मैं उठ गया हूँ भाई। मैं आज उठाऊँ ना बहुत गंदे तरीके से उठाऊँ क्योंकि मुझे चींटियों ने इतना बुरा धोया है ना। चूल्हा लगा दिया है मैंने बेटा, ओ लगा दिया मैंने चूल्हा, अब क्या लेगी तू, मानती है कि नहीं? मत मान, इज्जती करने के लिए बैठी है क्या मेरी? धुआं कर रही हो? धुआं नहीं होगा, जो लकड़ियाँ जलेंगे धुआं नहीं होगा, फाग जाए हट जा रहा मैं तो। बस कोई कोई इज्जत ही नहीं है अपनी, चल भाग जाए, जा रहा हूँ मैं। हाँ चल रहे जीव का बहुत काम कर। आज इंडिपेंडेंस डे तो हमने सोचा कि हम भी अपने घर पे तिरंगा लगा लेते हैं। ऑल दो ऐसा कुछ नहीं है, हम स्कूल जाते थे पर अभी स्कूल जा नहीं रहा हूँ तो मैं घर पे लगा रहा हूँ। बाकी मैंने देख लिया नीचे मोदी जी ने जो है ध्वजा रोहण कर दिया है लाल किले पर, बट अभी हम अपने घर पे कर लेते हैं। ये भी तो हमारा किला है यार। और सच बताऊँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही के दिन हम देश को प्यार करते हैं, मतलब शाम तक हम इसको उतार भी लेंगे और इसको संभाल के रख भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं फेंक देंगे। तो आप लोग भी अगर झंडा वगैरह ख़रीद रहे हो या कुछ भी अगर ख़रीदा है आपने तो प्लीज़ उसको उतार लेना, उसको फेंकना मत, वरना कल रोड पर हमारे देश की इज्जत मिलेगी। तो ठीक है, ये मतलब अच्छी, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँ और मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं आपसे बोलूँ, पर ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है। हम इसको लगाते हैं और फिर मिलते हैं। हमने भी अपने घर पर तिरंगा लगा दिया है फाइनली। हमने इस पर यहाँ पर बांधा हुआ है रस्सियों से, हमारा घर है मतलब वो ऐसे चद्दर रखे हुए हैं तो उसको इग्नोर करो। बाकी तुम ये देखो यार, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब सच बताओ ना भाई, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा करती थी क्योंकि हम लोग जो हैं सुबह सुबह उठ के तैयार होकर बढ़िया एकदम अपने बाल बाल बना के और जाते थे सुबह। और पहले जब हम स्कूल में हुआ करते थे ना तो रैली, मतलब स्कूल से रैली निकलती थी तो इस जगह से निकल के पूरे गांव में नहीं जाती थी, और अब ना शायद वो उधर के उधर ही निकाल के और फ्री हो लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। बाकी सब बढ़िया यार, मतलब मस्त चाचा भी उधर तिरंगा लगा रहे हैं। तो और कल अगर तुमने 15 अगस्त वाला व्लॉग अगर देखा ना तो उस व्लॉग में मैंने बात की है कि भाई जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे यहाँ पे हैंडपम्प हुआ करता था एक मोहल्ले में, उस पर सारे मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे नहाने के लिए सुबह सुबह। तो पता नहीं क्या ही भयंकर क्रेज़ होता था यार। तो समझ रहे हो ना तुम बात को, ऐसा ही है, अलग ही जोनर होता है ना उस टाइम पे। कभी स्कूल में मतलब तुम्हारा ज़बरदस्ती भी नाम लिख दिया जाता था कि अगर तुम अच्छे हो स्कूल में तो तुम्हारा ज़बरदस्ती नाम लिख दिया, और हाँ कि ये कविता बोलेगा, ये गाना गाएगा, अब तेरे को मैं गाना देता हूँ। और प्रिंसिपल हुआ, हमारे प्रिंसिपल थे बहुत अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे हमारे। तो उन्होंने मेरे को एक वो दी थी कविता लिख कर ना, तो बहुत प्यारी थी। उसका शीर्षक था राष्ट्र की जो चेतना का गान वंदे मातरम करके ना, मुझे याद नहीं है भाई सच में, वो मैंने याद की थी उस टाइम पे बोली भी थी बट अभी मुझे याद नहीं है कविता, बट बहुत प्यारी थी। उन्होंने मुझे उसके सुर भी समझाए थे, पर मेरे जैसे बेसुरे को कौन से सुर समझ आने वाले हैं। तो भाई सच बताओ ना, उधर चाचा ने भी लगाया हुआ है और उधर चाचा और उधर तिरंगा लगा रहे हैं सभी बालू। चाचा जूम कर लियो, देखो लखनऊ के सब बिना तिरंगा लगा रहे हैं चाचा के घर पे। खान की मुझे वो वाली लाइन याद आ गई, टेक प्राउड इन बीइंग इन इंडियन। तो मतलब समझ रहे हो तुम अपने भारतीय होने पर गर्व करो, मतलब गर्व करो कि तुम भारत जैसे देश में पैदा हो जहाँ पर इतनी सारी गौरव गाथाएं हैं ना भाई। और मैं तो उस स्टेट से आता हूँ जहाँ पर मतलब इतनी सारी गाथाएं हैं, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ भाई मैं, तुम्हें पता है। बाकी राजस्थान में जो गाथाएं हैं भाई, महाराणा प्रताप भाई, हमारे यहाँ पे इतने राजा हुए हैं ना, मतलब अथा, और उनकी कहानियाँ भाई, मतलब अगर मैं जाऊँ ना उसमें डेप्थ में तो बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे राजा हैं, खाली महाराणा प्रताप ही नहीं, उनके पिताजी महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बहुत बहुत लोग हैं, मतलब ये इनके पूर्वज हैं। और अभी भी भाई मैंने एक चीज़ देखी है, तुम भारत में कहीं पे भी चल जाओ तुम्हें
महाराणा प्रताप के नाम से कोई ना कोई एक मोहल्ला, एक सेपरेट एरिया मिल जाएगा, कोई चौक मिल जाएगा जहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। मैं रुड़की गया था अभी रिसेंट अप्रैल में, वहाँ पर मैंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई देखी। तुम ये बताओ यार, मतलब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी भाई बहुत वो हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी को, भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे ना प्लीज़ कमेंट कर देना, प्लीज़ ऑफेंड मत होना कोई भी यार, अगर मेरे मतलब कुछ भी गलत हो जाए मेरे से तो बाकी सब बढ़िया है। कि मन में देश प्रेम की भावना होती है, लेकिन आज के दिन और 26 जनवरी के दिन भाई पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा पीक पे इसी दिन होती है। मतलब इस दिन हर कोई मतलब ऐसा चाहता है कि बस कुछ नहीं हो, हम एक बार सुबह जाएं जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं या फिर अब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो अपने कॉलेज जाता है, वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और वापस घर आ जाते हैं और फिर घूमने जाते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ घूमने भाई, क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे नहीं जाना, मैं बस अपने आप में ही ठीक हूँ। अभी मुझे अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसके बाद वैसे तो हम जा सकते हैं, झालावाड़ जा सकते हैं परेड ग्राउंड में जहाँ पे परेड अभी हो रही होगी, और ऑल दो मैं दूरदर्शन खोलूँगा, अभी मैं इससे पहले देख रहा था तो लाल किले पर ध्वजारोहण हो गया है, उसके बाद ही मैं ऊपर आया हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उससे पहले नहीं कर सकते उसके बाद नहीं कर सकते, पर मैं बस बैठा हुआ था, मेरे को शॉर्ट्स अपलोड करना था, शॉर्ट्स अपलोड भी हो रहा होगा और फ़ोन पर शॉर्ट्स अपलोड होने लगा के आ गया मैं, और फिर ऊपर आके हमने अपना ध्वजारोहण कर लिया। अच्छा लग रहा है पढ़ना यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ भाई बहुत बार बोल दी मैंने ये बात, छोड़ो बंद करते हैं, ताकि एक बार और देख लो। हम मन मेरी आंखें नहीं हट रही इससे ना। हेलो, आज 15 अगस्त है और मस्त बारिश हो रही है, और राखी के टाइम पे हमेशा ऐसा होता है कि भाई बारिश होती ही रहती है, तो होप करते हैं कि राखी के टाइम पे नदी ना आए, क्योंकि अगर नदी आएगी तो नदी पे तैर के जाना पड़ेगा राखियाँ लेने के लिए मार्केट के लिए। बाकी सब बढ़िया है, बारिश हो रही है मस्त। भाई ये देखो क्या भयंकर की बारिश हो रही है ना यहाँ पे, लाली लोग गए हुए हैं जंगल में बकरियाँ लेकर, जहाँ पे हम लोग कल गए थे वहीं पे गए हुए हैं, और इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना आज, तो भाई उनकी कुटाई होनी है तगड़ी बारिश से। और मैं भी ये बारिश नहीं हो या फिर फोग हो, मुझे तो फोग ही लग रहा है भाई, क्योंकि ना तो पास से भी यहाँ तक ही यही है तो फोग लग रहा है। होप कि बारिश ना हो, या फिर हो सकता है कि बारिश हो, क्योंकि एक मिनट भाई ये बारिश ही हो सकती है, एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं और फिर देखते हैं कि ये बारिश है कि नहीं है, क्योंकि ये पानी दिख रहा है तलाई का, तो इसमें तो भाई कहीं से कहीं तक भी पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं तो अभी इसको फोग ही मान रहा हूँ, अगर बारिश होगी ना तो पता चल जाएगा अभी। पहले मैंने बोला था कि ये पानी है कि फोग है, तो एक्चुअली में भाई ये पूरा का पूरा फोग है, क्योंकि बारिश तो अभी जस्ट शुरू हुई है 2 मिनट पहले ही, और इधर देखो भाई कितना फोग हो रखा है ना, और लाइट चली गई थी अभी और मैं इधर पढ़ाई कर रहा था तो मतलब लाइट चली गई थी, तो मैंने कहा कि ये जो टेबल्स मैंने बनाई है रिलेशंस की, मैं इनका ना वो पढ़ देता हूँ, कलर कर देता हूँ ताकि कुछ डिफरेंट लगे, अलग का मतलब जो नीचे वाला अलग है, जो उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो अलग हैं, ये एंट्रीज आई थिंक वो नीचे गए तो जो एंट्रीज हैं तो वो अलग है, और ऊपर वाली मैंने ना ब्लैकिश कर दी, मतलब पीसी ऑन हो गया, जस्ट लाइट आई है। ऑल दो लालू लोग भी आ गए हैं, डाली और लाली दोनों आ गई, ये बकरियां में गई थी, इनका आजकल रोज़ हो गया क्योंकि मम्मी घर पे नहीं रह रही है आजकल, तो ये दोनों चली जाती हैं, ऑल दो मम्मी जाती है क्योंकि मम्मी को ही ज़्यादा है उधर का ना। और ये क्या, ओ इन्होंने ये जुगाड़ गजब का है भाई, इन्होंने छाता ऊपर से शायद पट रहा था, तो इन्होंने क्या करा, जो पलाश है ना उसकी पत्तियां लगा दी इस पर, मतलब बढ़िया एक नंबर, जुगाड़ू लोग हैं यार, गजब यार। तो बाकी सब बढ़िया है, और अभी टाइम क्या हो गया यार, मुझे टाइम का पता नहीं है, टाइम देखना पड़ेगा, टाइम देखते हैं। ओ 6:30 बज गए भाई, 6:30 बज चुके हैं, तो बस मैंने साड़ी लगा, पीछे मैंने कुर्सी स्टॉल रखा हुआ था तो मैंने, और कुछ तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि मैंने सारी लाइटें खोल रखी, 1, 2, 3 वो वाला नहीं खोला है मैंने उधर, ठीक है, तो सारी लाइटें इसलिए खोल रखी मैंने
कि भाई एक मिनट ये अच्छा ठीक है लगा। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने वो बंद कर रखा था और बाहर इतनी मतलब छाया हो रखी है, छाया इन द सेंस कि भाई बादल हो रखे हैं ना इतने काले जिसकी वजह से बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आजकल मैं यहीं से शूट कर रहा हूँ, इसी दरवाजे में खड़ा रहता हूँ रोज़, और या फिर यहाँ पर बैठा रहता हूँ। पर जो बैठे वाले व्लॉग, जो बैठे वाले जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट्स में आते हैं। और सच बताऊँ ना भाई, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ काफ़ी दिनों से, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्यों। या तो थंबनेल भी तो ठीक ठाक बना रहा हूँ, पहले भी तो व्यूज़ आ रहे थे, या फिर मैं पुराने स्टाइल में टाइम चेंज करूँ। तुम क्या बोलते हो गाइस, कमेंट करना अगर जो रेगुलर व्यूअर है। भाई रेगुलर व्यूअर तो कोई होगा सर, एक ही व्यू आ रहा है रोज का, तो कौन है वो बंदा, वो एक बंदा मेरे को मांगता है, उसको कमेंट चाहिए मेरे को। एक मम्मी हो सकती है और एक आध और बंदा हो सकता है। मिलता है।